गुड इवनिंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पंचायती राज विभाग से एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पंचायती राज विभाग में लास्ट मिनट में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा। ये न्यूज़ आप लोगों को आज ही निकल के आया है और इस न्यूज़ में के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, छपरा में 17 और 20, मतलब पूरे बिहार में ही 17 और 20 को होगी, लेकिन छपरा का न्यूज़ है, आर्टिकल है, छपरा में 17 और 20 को होगी तकनीकी सहायक और लेखपाल नियोजन की काउंसलिंग, फर्जी प्रमाण पत्र वालों पर होगा FIR दर्ज। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो फर्जी प्रमाण पत्र जिनके पास भी है उन पर FIR होगा अगर वो काउंसलिंग में बैठते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो इसका आर्टिकल निकाला गया है, आज ही पब्लिश किया गया है, आप लोगों को मैं बता दूं ETV बिहार पे भी इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था, आज दिखाया गया है और इसको पेपर में भी पब्लिश किया गया। तो लास्ट मिनट में मैं आप लोगों को टोटल अपडेट कर दूं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या आज के डेट में लास्ट मिनट में इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकाला गया है इस पंचायती राज विभाग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, गूगल क्रोम पे मैं चलता हूँ, गूगल क्रोम पे ये संजीवनी समाचार जो यहाँ का छपरा का लोकल न्यूज चैनल है, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे छपरा के जो DM है, ये छपरा में 17 व 20 को होगी तकनीकी सहायक और लेखपाल नियोजन की काउंसलिंग, फर्जी प्रमाण पत्र वालों पर होगी FIR। ये देखिए इसका डिटेल न्यूज़, ये देख लीजिए यहाँ पे 16 नवंबर को, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 16 नवंबर को ये न्यूज़ पब्लिश किया गया है छपरा DM के पेज से। छपरा यहाँ पे तकनीकी सहायक और लेखपाल सह IT सहायक की बहाली के लिए आयोजित काउंसलिंग में जाली प्रमाण पत्र लेकर पहुँचने वाले अभ्यर्थियों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगी। उनके खिलाफ ना केवल प्राथमिकी दर्ज कराएगी बल्कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार भी किया जा सकता है, वही भविष्य में वो कोई सरकारी सेवा में नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को ETV बिहार ने भी दिखाया है, इस पे आप लोगों को ETV बिहार ने एक बहुत बड़ा स्कैम निकाला है, जिसमें बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ऐसे फर्जी डिग्री बनाए जा रहे हैं और उस डिग्री के बिहाफ पे बहुत से कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका 99.9% मार्क्स है उनका, जो कि पॉसिबल है नहीं कि टेक्निकल डिग्री में 99.9% आपको मार्क्स लाना। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं इस न्यूज़ में, उक्त जानकारी DM सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार की शाम को दी। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग 17 और 20 को DRDA के सभागार में आयोजित किया जाएगा, 17 को तकनीकी और 20 को लोकपाल IT सहायक की काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति के साथ आपको जाना है। जो आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका आ गया, अगर आपने 10th कर रखा है, 10th के बाद अगर आपने इंटर किया है, उसके बाद अगर डिप्लोमा किया है, तो ये तीनों आपको सीरियल वाइज चाहिए। अगर आपने मैट्रिक के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है, तो मैट्रिक और डिप्लोमा का टोटल जो भी सर्टिफिकेट हुआ, और आपके आवासीय और जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्रों के जांच की विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये जो विशेष इंतजाम पूरे बिहार में जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ जहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है, ये सब कुछ ऐसे ही किया गया है। ये देखिए, तकनीकी सहायक एवं लेखापाल IT सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए 17 एवं 20 नवंबर को काउंसलिंग की जाएगी। इस आशय की जानकारी उप विकास आयुक्त सह चयन समिति के उपाध्यक्ष रोशन कुशवाहा ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नली निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत जिले में यह नियोजन होना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंचायती राज विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में काउंसलिंग की तैयारी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त पदों के लिए काउंसलिंग 17 एवं 20 नवंबर को जिला विकास अभिकरण DRDA सारण के सभागार में पूर्वाहन 8-10 बजे से प्रारंभ होगा। उप विकास आयुक्त ने बताया कि तकनीकी सहायक के लिए काउंसलिंग की तिथि 17/11/2018 एवं लेखापाल के लिए 20 को निर्धारित की गई है। उक्त तिथि को पूर्वाहन 10 बजे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण के सभाकक्ष में
आप काउंसलिंग प्रारंभ होगी। प्रत्येक पद के लिए विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूची तैयार कर SMS एवं ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सबको ये, जैसे कि छपरा का है तो छपरा में DIDA ऑफिस में होना है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पे आपको होना है आपको मैसेज मिल चुका होगा, मेल भी आ चुका होगा। इस सूची को जिला के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी इस बातों को अपलोड किया गया है। सभी अभ्यर्थियों और शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण पत्र, कोटि क्रम, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक पत्र मूल एवं छाया प्रति के साथ काउंसलिंग के दिन ससमय उपस्थित रहेंगे। कोई भी अभ्यर्थी गलत या जाली प्रमाण पत्रों का उपयोग करेंगे या प्रस्तुत करेंगे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है जो कि आज तक किसी भी रिक्रूटमेंट में ये देखने को नहीं मिला था कि अगर आप लोग जाली दस्तावेज के साथ पकड़े जाते हैं तो आप किसी भी सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग, अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी है, किसी के पास है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपके भविष्य पे ताला लग जाए। तो आप लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जो कि आज एक काउंसलिंग के ये सिर्फ एक दिन पहले बिहार सरकार ने ये रिलीज किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना अलर्ट हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंटेशन को जैसे बताया गया है उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आपको सबसे पहले आपको जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उनको लगाना है, उसके बाद आपके जाति आवासीय आय को लगाना है, और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसको लास्ट में लगाना है। और आपको इन सब का दो कॉपी बनाना है, एक ओरिजिनल का एक फाइल होना चाहिए और एक जेरोक्स कॉपी का। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग अपने समय से अपने काउंसलिंग, जहां भी आपका काउंसलिंग है, पूरे बिहार के जिस भी जिला में काउंसलिंग है, आप लोग वहां पे उस समय उपस्थित होइए।